Hello and welcome to my channel. This is Sapna and I'm going to tell you 16 July IAS exam prediction. Before starting the prediction, I must tell you ki yes, ye sirf prediction hai guys. Itna isko seriously nahi lena chahiye. Students, they have been calling, texting ki kisi bhi tarah se hame prediction mil jaye kyunki wo sahi jaati hai. Yes, by God's grace, hamari predictions hamesha se correct jaati hain. बट आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स जो मेरे से भी क्लासेस लेते हैं, मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि प्रिडिक्शन ये देखिए, सारी की सारी प्रिडिक्शन सही गई हैं, रीडिंग पैसेजेस जैसे बताए थे वैसे किए हैं, बट बच्चों ने सारे किए हैं, उन्हें पूरे के पूरे प्रैक्टिस करी है, उससे पहले उससे टिप्स किए हैं, तो आप भी वो जरूर करें. एंड वोकैबुलरी बुक जो अब मेरी लॉन्च हुई है उसको जरूर खरीदें, बिकॉज उससे आपके 7+ मार्क्स डेफिनेटली आ सकते हैं. यू कैन स्कोर रियली वेल इन योर आईएलटीएस एग्जाम. आप 7+ राइटिंग और स्पीकिंग में ले सकते हैं. लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप इसको इजीली अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे. टेलीग्राम चैनल पे आपको लास्ट जितने भी एग्जाम पेपर्स हैं, रीसेंट हैं, पीडीएफ हैं, सब वहीं पर मिलेंगी. उसके लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. एकेडेमिक रीडिंग की अगर बात करें तो यस, इट इज गोइंग टू बी ईजी टू मॉडरेट. रीडिंग इज ट्रू फॉल्स एंड फिलअप्स, देन एमसीक्यूज, मैथ्स इंफॉर्मेशन विद द पैराग्राफ्स एंड सिलेक्शन ऑफ लेटर्स आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने चाहिए. जर्नल का मॉड्यूल किसी किसी सेंटर में है, तो पैसेज वन में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड शॉर्ट आंसर, सेंटेंस फाइंडिंग्स एंड मैच द इन्फॉर्मेशन एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कैन कम. लिसनिंग इज गोइंग टू बी मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट रहेगा. पार्ट वन विल कंटेन फिलअप्स, फ्लो चार्ट एंड अ टेबल कंप्लीशन जो डायग्राम आ सकता है, फॉर्म फिलिंग के क्वेश्चन में आ सकता है. पार्ट टू विल बी शॉर्ट एमसीक्यूज प्लस मैथ्स इन्फॉर्मेशन जो मॉडरेट लेवल का रहने वाला है. सोशल कन्वर्सेशन हो सकता है, सोशल इश्यूज के ऊपर कोई कन्वर्सेशन हो सकता है. पार्ट थ्री वुड बी सिलेक्शन ऑफ लेटर्स, दैट इज 2 out of 5 एमसीक्यूज लॉन्ग एंड फास्ट ऑडियो. देन पार्ट फोर विल बी एनी मैकेनिकल वर्क, एनवायरमेंट रिलेटेड कोई मोनोलॉग हो सकता है या फिर एकेडमिक से रिलेटेड कोई मोनोलॉग हो सकता है. टास्क वन में वी कैन सी प्रोसेस बार टेबल और पाई चार्ट और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, एंड जनरल में सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर हो सकता है. राइटिंग टास्क टू विद बी डिस्कस ओपिनियन क्वेश्चन आ सकता है, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री क्वेश्चन आ सकता है, और वी कैन ऑल्सो सी टू पार्ट क्वेश्चन जैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. देन नेक्स्ट वन, इसमें टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है, कल्चर और ट्रेडिशन है, लेजर एक्टिविटीज है. सो प्रिपेयर दीज टॉपिक्स बिफोर हैंड, इसको पहले से करके चलें बिफोर योर एग्जाम. But yes, don't forget to subscribe to the channel, and you can also contact us through online classes. You can go to my Instagram page for advanced vocabulary, but vocabulary book is must. Usme phrases and definitely aap unko use karenge, to aapke 7+ bands to aayenge hi aayenge. That is the guarantee. Agar aap usko acche se use karte hain, to wo definitely aapki help karne wala hai. So all the best guys, do well and like the video. Take care.